तो तोलबा पिछले लेक्चर में हमने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नॉली डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन और एग्जांपल जो है उनके बारे में आपको लेक्चर दिया था आज का जो है हमारा लेक्चर वो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो वेरी सिंपल क्वेश्चन वन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई डी एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू ई टू द माइनस टू एक्स अब ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास इसमें देखें कि ये जो वैल्यू हमारे पास क्या होती है इसको कहते हैं पी एक्स तो ये इक्वेशन जो है यहाँ डी वाई एक्स है यहाँ टू एक्स प्लस वन बाई एक्स है यहाँ वाई है तो ये इक्वेशन कह रहेगी लीनर इन वाई दिस इज कार्ड लीनर इन वाई नाउ दिस इज़ वैल्यू ऑफ पी पी इज़ द कॉफ्यूंट ऑफ वाई y का कॉप्शन जो है ये वाला टू एक्स प्लस बाई एक्स इसको पी कहेंगे आप तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर वस वी फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ये फार्मूला है ई टू द इंटेगल पी ऑफ एक्सू डी एक्स फार्मूला फॉर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी पुट द वैल्यू ऑफ पी एक्स तो यहाँ पी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे आप टू एक्स प्लस इंटू डी एक्स इसके इंटेगल लेंगे आप तो टे द इंटीग्रल तो इंटीग्रल ऑफ दिस टू Is 2x and take log. 1 by x is natural log of x. Now, we can write this e to x into e to the log x. We can write it as e to x, and the log and e will cancel, and we have e to x into x. So, this is value of the integrating factor. The integrating factor is pass e to x into x. Now, integrating factor equation. we will multiply this equation factor So, we will this equation. एक्स ई टू एक्स से बटवाई करेंगे है ना तो क्या मिलेगा आपको वी हैव एक्स ई टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स ई टू एक्स इंटू टू वाई को टू एक्स ई टू एक्स इंटू ई टू डी माइनस टू एक्स तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको ई टू एक्स कैंसल होंगे आपस में वी हैव ई टू एक्स टू एक्स प्लस वाई इंट इसल टू एक्स इसमें फाइव हो गई तो ये क्या बनेगा ई टू दी जीरो वो क्या होगा वन तो हमें क्या मिलेगा एक्स ओनली वैरियो ऑफ एक्स तो अब यह पूरी टर्म जो है यहाँ से लेके यहाँ तक दिस होल टर्म बिकम द डेरेवेटिव ऑफ एक्स ई टू एक्स इंट वाई टू एक्स तो इसके बाद फिर क्या करेंगे वे इंटीग्रेट बोथ साइड्स वे इंटीग्रेट दिस टर्म बोथ साइड्स यहाँ इंटीग्रेल या डायरिवेटिव इंटेगर वी कैंसल ये कैंसल हो जाएंगे क्या मैं देखा एक्स ई टू एक्स इंटू वाई वी हैव एक्स ई टू एक्स इंटू वाई एंड इंटेगल ऑफ एक्स इज एक्स केयर बाई टू प्लस वन कॉन्सटेंट वी डिवाइड दिस हो टर्म बाई एक्स ई टू एक्स एक्स ई टू एक्स से इस पूरी टर्म को आप डिवाइड करेंगे और ये एजर्ट हमें आसर हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं वाई को वन बाई एक्स ई माइनस टू एक्स इंटू एक्स केयर बाई टू प्लस वन बाई एक्स ई माइनस टू एक्स तो सिम्प्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको वी हैव वाई इक्वल टू आफ्टर सिम्प्लीकेशन वी हैव वाई इक्वल टू वन बाई टू एक्स ई माइनस टू एक्स प्लस सी बाई टू ई माइनस टू एक्स तो ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है दिस रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अब क्वेश्चन टू है इसकी तरफ आते हम देखें वही सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स लॉग एक्स इक्वल टू थ्री एक्स बाई नेचर लॉग ऑफ एक्स ये क्वेश्चन वन कहेंगे आप इसको तो उसी तरीके से ये क्या y, for e ये है दिस इज लीनर इन वाई तो पी की वैल्यू क्या होगी वन ओवर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ पी विल बी द कॉपेंट ऑफ वाई विच इज़ वन बाई एक्स इंटू लॉग एक्स अभी फाइंडिंग रिगेटिंग फैक्टर द फॉर्मूला फैक्टर इज ई टू द इंटीग्रल पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ये फार्मूला है इंटीग्री फैक्टर निकालने का यहाँ पी एक्स की वैल्यू आप पुट करेंगे फिर इसका लेंगे आप इंटीग्रल तो अब ये फंक्शन और ये क्या है डेरिवेटिव वन बाई एक्स डिवाइडेड बाई लॉग एक्स तो क्या होगा इंटीग्रल इसके टू द लॉग ऑफ लॉग एक्स लॉग यू कैंसल वी हैव ओनली लॉग एक्स तो ये खत्ल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको लॉग एक्स मिलेगा तो यहाँ से इंडिकेट फैक्टर क्या होगा नेचुर लॉग ऑफ एक्स उसी तरह इसी क्वेश्चन वन को हम नेचुर लॉग ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे लॉग मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय नेचुर लॉग ऑफ एक्स दिस बिकम लॉग ऑफ एक्स डी वाई ब्ल एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू वन बाई एक्स लॉग एक्स वाई इक्व टू लॉग एक्स थ्री एक्स केड बाई लॉग एक्स फिर सिम्प्लीफाई करेंगे लॉग एक्स कैंसिल हो जाएंगे द लॉग एक्स विल कैंसिल एंड वी हैव लॉग एक्स डी एक्स प्लस कैंसिल this दिस term बिकम द derivative ऑफ लॉग एक्स इंटू वाई ये लॉग एक्स इंटू वाई का है ये सारा तो इधर क्या होगा थ्री एक्स होगा इसको आप क्या लेंगे इसका ठेकर उसी तरह इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स the integral derivative will cancel and we have y log x equal to x cube plus constant. So, log x divided so, divide by this term log x is log x divided by so, y equal to we have y equal to x cube plus c divided by log x the required solution. So, question number 3 here solve the differential equation cos cube x divided by, by dx plus y cos x equal to sin x. इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे बाई कॉस एक्स से डिवाइडे इक्वेशन बाई कॉस क्यूब एक्स एंड वी हैव बल डी एक्स प्लस वाई कॉस एस बाई कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो ये कॉस कॉस क्यूब कैंसिल होंगे नीचे क्या बनेगा कॉस्केयर इसको ऊपर लेकिन क्या बनेगा सेकेंड तो डिस् लिखम डी वाई बी एक्स प्लस सेकेंड एक्स इंटू वाई इक्वल टू तो ये कॉस क्यूब है इसको क्या लिखेंगे आप कॉस स्केयर इंटू कॉस तो एक कॉस इस साइन के साथ मिलकर क्या बनेगा टेन बन जाएगा और नीचे कॉस स्केर बचेगा उसको ऊपर ले जाएंगे क्या बन जाएगा सीकेंड स्केयर तो वन बाई कॉस का इक्वर टू तो सीकेंड स्केयर तो ये भी क्वेश्चन जो है दिस इज लीनर इन वाई अब पी की वाली क्या होगी यहाँ से द तो ऑफ तो वाई इज पी ऑफ एक्स दिस इज पी ऑफ एक्स सीकेंड स्केयर एक्स इज पी ऑफ एक्स उस किफी क्या निकालेंगे आप कोई फाइनल इंडिकेटर फैक्टर इंडिकेट सीकेंड स्केयर एक्स इंटू डी एक्स सीकेंट स्कैन डेल क्या होगा टेन एक्स तो ई टू द टेन एक्स ये क्या इंडिकेटर फैक्टर हो गया क्योंकि तो कस्टमर को आप ई टू द टेन एक्स से बट्लाई कर देंगे ई टेन एक्स डी वाइब्ल एक्स प्लस के एक्स ई टेन एक्स इंटू वाई कर टू टेन एक्स सिकेंड स्कैर इंटू टेन एक्स अब ये पूरी टर्म जो है यहाँ से लेके यहाँ तक दिस होल टर्म बिकम डेरिवेटिव ऑफ ई टेन एक्स इंटू वाई दिस कर टू टेन एक्स सिकंड स्केर एक्स ई टू द टेन एक्स इसको इंटीग्रेट करेंगे इन दिस टर्म वो साइड इंटीग्रेट डेब कट जाएंगे आपस में तो क्या बनेगा e टेन एक्स इंटू वाई तो ये क्या बनेगा टेन एक्स दिस इज ई टू द टेन एक्स इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे बाई पार्ट्स अब ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है सेकेंड फंक्शन तो फर्स्ट फंक्शन सेम और इसका इंटरेगल क्या होगा इसका इंटरेगल होगा ई टू द टेन एक्स माइनस इंटरेगल ये टर्म सेम और इसका डेविट क्या होगा टेन का सीक्ट का एक्स इसी तरीके से यह बनेगा ई टेन एक्स टेन एक्स ई टेन वाई टेन एक्स और ये जो है ये पूरी टर्म जो है इसका इंटीग्रल क्या होगा ई टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ये कॉन्सटेंट इंडिकेशन है तो ई टेन एक्स से आप डिवाइड कर दें इसवेशन कोई ई टेन एक्स एंड वही है वाई को टू ई टेन एक्स माइनस वन प्लस सी ई माइनस टेन एक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्वेश्चन फोर ए सॉल्व द क्वेश्चन एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वन प्लस एक्स कॉर्ट एक्स वाई इक्व टू एक्स ये क्वेश्चन वन है तो इस क्वेश्चन को एक्स से आप डिवाइड करेंगे डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा आपको डीवाई बाई डी एक्स प्लस वन प्लस एक्स कॉट डिवाइड बाई एक्स वाई इक्व तो आप देखें कि कॉफी ऑफ वाई कितना है हमारे पास वन प्लस एक्स कॉट एक्स डिवाइड बाई एक्स है तो यही वैल्यू जो है हमारे पास ये क्या कहलाएगी पी ऑफ एक्स दो कॉफी ऑफ वाई इज ऑलवेज पी ऑफ एक्स तो ये पी एक्स मिल गया आपको तो यहाँ पे देखेंगे ये पी एक्स आ गया हमारे पास तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा ई टू द इंटीग्रल पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स वन प्लस एज कॉट डि एक्स तो इंटीग्रेट दिस वी कैन राइट इट्स एस वन बाई एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स तो वन बाई का इंटीग्रल क्या होगा लॉग एक्स होगा कॉट का इंटीग्रल क्या होगा लॉग ऑफ साइन होगा तो इसको लिख सकते हैं आप ई टू द लॉग एक्स इंटू ई टू द लॉग ऑफ साइन एक्स लॉगिंग वे कैंसिल वही है कैंसिल हो जाएंगे आपस में तो क्या बन जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स तो ये हमारे पास क्या दिस इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटी फैक्टर इज एक्स इंटू साइन एक्स तो इसवेशन वन को आप अप्लाई कर दें सॉरी टू है इसको अप्लाई करें एक्स इंटू साइन एक्स के साथ तो वी हैव एक्स साइन एक्स डिवाइडक्स प्लस एक्स एक्स डिड बाई एक्स वाई को एक्साइन एक्स तो ये सिम्प्लीफाई करने के बाद ये मिलेगा आपको ना एक्स साइन एक्स ये एक्सेस कैंसिल हो जाएंगे आपस में साइन एक्स इंटू वन साइन एक्स हो जाएगा इसी तरह कॉट क्या होगा कॉस ओवर साइन तो ये साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा एक्स इंटू कॉस एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स ये वन जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वन इंटू एक्स इंटू साइन एक्स अब ये देखें कि ये पूरी टर्म जो है दिस होल टर्म इज़ द डेरिवेटिव ऑफ x साइन x इंटू वाई यहाँ क्या है दिस इज द एक्स साइन एक्स टेक द इंटेगर वो साइड वो साइड पे क्या लेंगे आप इसका इंटेगर लेंगे तो इंटेगर लेने के बाद क्या होगा इंटेगल डी बाई डी एक्स एक्स कॉस एक्स साइन एक्स इंटू वाई डी एक्स एक और इंटेगर एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स तो ये कैंसिल होंगे आपस में तो क्या बनेगा हमारे पास y x साइन एक्स और इसको बाई पार्ट सॉल्व करेंगे फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन सेम और साइन का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस माइनस इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव क्या होगा वन और ये माइनस कॉस जब वो सेम लिखेंगे आप माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो ये क्या होगा दिस इज एक्स साइन एक्स इंटू वाई साइन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा y इंटू एक्स इंटू साइन एक्स इक्व टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वन कॉन्सटेंट तो इसको क्या करेंगे आप इस पूरी टर्म को पूरी इक्वेशन को आप एक्स साइन एक्स से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास कोई है वाई इक्व टू माइनस कॉट एक्स प्लस वन बी एक्स प्लस सी ए ओवर एक्स को सिकिन एक्स तो अब क्वेश्चन फाइव हम स्टार्ट करते हैं वी स्टार्ट द क्वेश्चन फाइव सॉल्थ द्वेश्चन वन प्लस एक्स के डी वाई बो एक्स प्लस फोर एक्स वाई इक्वल टू वन ओवर वन प्लस एक्स केयर का डिवाइड दिस इक्वेशन बाय वन प्लस एक्स केयर वी हैव डी वाई बो एक्स प्लस फोर एक्स वाई ओवर वन प्लस एक्स इंटू वाई टू वन ओवर वन प्लस एक्स क्यूब अब यहाँ पर देखें कि ये इक्वेशन फिर जो है क्या गई लीनियर इन वाई यहाँ वाई है यहाँ वाई है तो दिस इक्वेशन इज लीनियर इन वाई तो ऑफ कॉपई कितना है हमारे पास फोर बाई वन प्लस एक्स स्वेयर तो इसी को हम कहेंगे पी ऑफ एक्स दिस इज पी ऑफ एक्स फोर एक्स बाई वन प्लस एक्स स्केयर तो इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होगा ई टू द इंटीग्रल पी ऑफ एक्स टू डी एक्स तो यहाँ पी एक्स की वैल्यू ये वाली वई पुट दिस वैल्यू ऑफ पी एक्स इन दिस प्लेस अब इसको लिख सकते हैं आप इसको लिखेंगे टू इंटू टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्केयर तो ये फंक्शन और यहाँ ऊपर क्या होगा इसका डेरिवेटिव होगा तो क्या बनेगा दिस इज ई टू द टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स ये टू यहाँ पावर बनेगा और लॉग लॉगे कैंसिल हो जाएंगे आपस में तो क्या बनेगा आपका वन प्लस एक्स केयर का स्केर दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो उसी तरीके से वो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन वन बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन प्लस एक्स केयर का द सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज वन प्स एक्स केयर का स्केयर मप्लाई वन बाई वन प्लस एक्स केयर का स्केयर वी हैव दिस टर्म ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा ये टर्म हासिल होगी तो यू सी हेयर वन प्लस एक्स केयर स्केर डी बाइबर डी एक्स दिस बिकम फोर एक्स इंटू वन प्लस एक्सकेयर इंटू वाई एंड दिस इज को टू वन ओवर वन प्लस एक्स केयर तो यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म पूरी टर्म के डायरेटिव ऑफ वन प्लस एक्स स्केयर का स्केयर इंटू वाई को टू वन ओवर वन प्लस एक्सकेयर अब इसका इंट्रेगलेंगे वो साइड इंटीग्रेट जिस टर्म वो साइड वही थे इंट्रेगल ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में तो क्या बनेगा वाई इंटू वन प्लस एक्स केयर का स्केयर और इंटीग्रल ऑफ़ 1 वन बाई वन प्लस एक्स स्केयर इज टेन वर्स एक्स प्लस हम कॉन्स्टेंट तो इस टर्म को वन प्लस एक्स के स्क्केयर को हम इधर डिवाइड कर देंगे इस साइड पे ना यहाँ पे तो क्या बनेगा वाई क्वर टू कोई है वाई क्वर टू टेन वर्स एक्स प्लस कॉन्सटेंट डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स द रिक्वायर्ड सोल्यूशन सिक्स डिवाइड सोल डिफ्रेंशलीवेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन ओवर ई टू द वाई माइनस एक्स इक्वेशन वन है So, this is not linear in y. So, we can write this as dx over dy equal to e to the y minus x divided by 1. This can be written as dx over dy plus x equal to e to the y, that is equation number 2. Now, this equation we see this equation is linear in x. We have the coefficient of x is 1. So, integrative factor this function of y. integral factor is e to the integral p of y to dy in place of dy p of y we put 1. So integral of this is y e to the y if is integrative factor is e to the y we multiply this equation, this equation, equation number 2 <coughs> by e to the y, we have e to the y dx over dy plus x e to the y e y into e y and this become e to the y dx over dy and this is e to the y into x and this is e to the 2y. So, you see that this whole term is derivative of x e to y When we differentiate this term we have this z. So, this complete term is derivative of x e to y and is equal to e to y इंटीग्रेटिंग बहुत साइड बहुत साइड क्या लेंगे आप इंटीग्रल लेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में वी हैव एक्स ई टू वाई और यहाँ पे इसका इंटीग्रल कितना होगा ई टू वाई डिवाइडेड बाई टू ई टू वाई होल डिवाइडेड बाई टू प्लस सम कॉन्सटेंट सी वन तो वी हैव वी मल्टीप्लाइंग बाय टू दिस इक्वेशन दिस विकम टू एक्स ई टू द वाई एंड दिस इज ई टू द टू वाई एंड दिस इज टू सी वन डिवाइड दिस इक्वेशन डिवाइड होल दिस इक्वेशन बाई टू ई टू ई वाई से इसको डिवाइड करेंगे आप क्या असर होगा आपको वन बाई टू एक्स इकॉर्ड वन बाई टू ई टू द वाई प्लस सी वन ई टू द माइनस वाई द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशल इक्वेशन